को जय मसीह की। आई एम सोना मसीह फ्रॉम उल्लासनगर मुंबई। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने अपना गवाह बनाकर मुझे ठहराया है यहाँ पर आज उसकी गवाही देने के लिए। आज मैं अपनी गवाही आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवन में भी काम करे। जब आप इस गवाही को सुने तो आपका विश्वास परमेश्वर पर और भी बढ़े, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। हालेलुया। जब हम मसीह में नहीं थे, मैं मसीह में नहीं थी, प्रभु को नहीं जानती थी तो मेरे जीवन में बहुत तकलीफें थी, बहुत परेशानियां थी, बहुत दुख था, इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मैं चारों तरफ से निराश हो चुकी थी और ऐसा लगता था कि अपने आप को मैं ख़त्म कर दूँ और अपने बच्चों को भी, क्योंकि बहुत तकलीफ़ों से हम गुजर रहे थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे हमारे जीवन में। मेरा फर्स्ट बेबी जो पैदा हुई, बेटी पैदा हुई मुझे, उसी के द्वारा मैं परमेश्वर के घर में गई, प्रभु के पास गई उसी के लिए कि प्रभु उसको चंगाई दे, क्योंकि वो जब पैदा हुई तो उसके पीठ में जन्म से ही गांठ थी। ऐसे कोई बॉल होता है, ऐसा गांठ थी उसके अंदर, सारे बॉडी की जो पीछे की नसें थी वो सब उसके अंदर थी। तो जब वो पैदा हुई तो डॉक्टरों ने और घर वालों ने यही बोला कि इसको रखकर कोई फ़ायदा नहीं है, ये बच्ची जब बड़ी होगी तो या तो इसके सर में पानी भर जाएगा और इसका दिमागी संतुलन भी शायद ठीक ना रहे। और जब वो पैदा हुई थी तो उसका पैर भी थोड़ा टेढ़ा था। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, पहले तो उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के द्वारा वो गांठ निकाल दी गई। और उसको ऐसा भी बोला था कि इसको लैट्रिन में और टॉयलेट में दोनों बात में बहुत तकलीफ होगी आगे चल के, तो इस बच्ची को तुम्हें रखना फ़ायदा नहीं है, तुम इसको यहाँ पर ही इंजेक्शन दे दो। घर वालों ने भी यही सोचा, डॉक्टरों ने भी यही सलाह दी, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं पर घात करने, नाश करने और हत्या करने आया, पर मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुताय से पाओ। इस वचन को मैं नहीं जानती थी उस समय, पर परमेश्वर का वचन काम करता है, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। उसी ने उस बच्ची को जीवन दी जब वो पैदा हुई, जब डॉक्टरों ने ऐसा उसके लिए कहा, मेरा मन इतना टूट गया, इतना दुखी हो गया, मैं इतना रोई कि मेरा जो दुख था वो कम नहीं हो रहा था। जब लोगों के मुँह से मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा कि मैं इस बच्चे को जिसको मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा, उसको मैं कैसे मार सकती हूँ सुई लगाकर? ऐसा घिनौना पाप मैं नहीं कर सकती, मैं उसकी सेवा करूँगी, मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक मेरे अंदर दम है, मैं उसकी सेवा करूँगी। ऐसा सोचकर उसको पाला पोसा मैंने। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसका एक और ऑपरेशन होने के लिए आ गया कि दूसरा ऑपरेशन हो उसके लिए, हम लोग बड़े हॉस्पिटल में गए, उसके पैर का ही ऑपरेशन था, उसके पाँव में एक घाव हो गया था जो ठीक नहीं हो रहा था, उसके लिए हम लोग गए बड़े हॉस्पिटल में, बच्चों की हॉस्पिटल है वो सारी। वहाँ पर भी जब हम गए तो डॉक्टर ने बोला कि ये बच्ची का हम कोई गारंटी नहीं लेते कि ऑपरेशन के बाद भी ये चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। डॉक्टर तो होते हैं अपनी राय देने के लिए, उन्होंने अपनी राय दी, हालेलुया। पर मुझे किसी ने प्रभु के बारे में बताया, मुझे उसके पहले भी 2-3 बार प्रभु के द्वारा संदेश मिला था कि आप प्रभु के पास आइए, परमेश्वर आपकी सारी तकलीफों को दूर भी करेंगे और आप विश्वास करिए और प्रभु के पास आइए आप। तो मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। जब वो ऑपरेशन का भी रास्ता अभी नहीं निकला था, उसके पहले की बात बताती हूँ, हमें कोई ऑपरेशन का भी रास्ता नहीं निकल रहा था क्योंकि डॉक्टर ने हमें गारंटी नहीं ली थी और ऑपरेशन कराने में हमें बहुत डर लग रहा था कि हम क्या करें जब डॉक्टर गारंटी नहीं दे रहे, हम अपनी बच्ची को कहाँ लेके जाए। तो सारे रास्ते जब बंद हो गए तब मुझे याद आया कि मुझे किसी ने प्रभु के बारे में बताया था। पहले मैं नहीं जा रही थी वहाँ पे, पर जब ऐसा मेरे ध्यान में आया कि जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो एक रास्ता है, मैं वहाँ पर जाकर देखूँ, क्या मुझे, क्या पता मेरा वहाँ से रास्ता निकले, क्या पता मेरी प्रार्थना सुनी जाए, हालेलुया। ये सोचकर मैं हमारे बिल्डिंग के बाजू वाली बिल्डिंग में प्रेयर चलती थी, वहाँ पर गई, वहाँ पर प्रेयर हो रही थी, परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने महसूस किया और ऐसा विश्वास किया कि अगर मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तो मैं प्रेयर में जाने लगी, उसके बाद रास्ता निकला वाडे हॉस्पिटल का रास्ता वहाँ से ही निकला। उन्होंने बोला ठीक है आप ऑपरेशन कराओ हम देखेंगे। तो हम लोग ऑपरेशन कराया उसको, ऑपरेशन में जैसे उन लोगों ने गारंटी नहीं दी कि चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, उस वाडे हॉस्पिटल में इतने सारे बच्चे बीमार पड़े हुए थे, किसी की टांग काटी हुई थी, किसी के होंठ कटे हुए थे, अलग अलग तरीके से बच्चे बीमार पड़े थे जिनको देखकर मैं बहुत डर गई। और हमारे बाजू वाली बेड पे जो लड़की थी उसका पैर काट दिया गया था,
और उसे देखकर मैं इतना डर रही थी, प्रभु से प्रार्थना कर रही थी हॉस्पिटल में कि प्रभु मेरी बच्ची का पैर कटना नहीं चाहिए, हम लोग आपके ऊपर भरोसा रखकर आए हैं यहाँ पर, प्रभु आप हमारा विश्वास टूटने नहीं देना, ये सोचकर मैं प्रार्थना करती रही निरंतर, इतनी इतनी देर प्रार्थना करती थी, प्रभु को पुकारती थी और उसका पैर कटने से बच गया। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। वो चलती है, पहले डॉक्टर ने बोला था चल नहीं पाएगी, पर वो बचपन से चली हो और उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना उसके सर में पानी भरा और ना ही उसको किसी बात की तकलीफ हुई यूरिन वगैरह में, वो एकदम नॉर्मल है प्रभु के अनुग्रह से, परमेश्वर के अनुग्रह से वो आज तक नॉर्मल है। प्रभु ने उसको चंगाई दी। जिन लोगों ने उसको मारने की सलाह हमें दी थी, आज वो 22 साल की हो चुकी है, आज तक परमेश्वर के हाथों में वो सुरक्षित है। प्रभु ने हमारे लिए रास्ता निकाला, हमारी परिस्थिति को बदला, हमारे जीवन से सारे दुखों को दूर किया और मैं चर्च में जाना चालू किया और वहाँ पर परमेश्वर ने अपनी वर्शिप करने के लिए मुझे तैयार किया। मुझे वर्शिप ने क्या होता है जब प्रभु को नहीं जानती थी, वो वर्शिप क्या होता है, प्रार्थना क्या होती है, ये सब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मुझे मालूम पड़ा। जब प्रभु को नहीं जानती थी सारा अंधकार भरा हुआ था, सारा दुख से मैं भरी हुई थी, मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं थी, पर जैसे ही प्रभु में आई मैंने चर्च जाना चालू किया, प्रभु ने अपनी पवित्र वेदी पर मुझे मौका दिया वर्शिप करने का। मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया, मुझे किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया, मुझे सब पवित्र आत्मा ने सिखाया कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कैसे वर्शिप करते हैं, कैसे सुर निकालते हैं, एक एक चीज परमेश्वर ने मुझे सिखाई और तैयार करके अपनी वेदी पर खड़ा किया। इसके लिए प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हम जितनी भी उसकी महिमा करें कम है। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमें अपना बेटा और बेटी बना लेता है। आज परमेश्वर कहता है कि जिन्होंने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, वचन कहता है परमेश्वर ने उन्हें अपनी बेटी और बेटे होने का अधिकार दिया। आज हम उसकी बेटी, हम उसके बेटे हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। आपसे यही कहूंगी कि आप भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास कीजिए, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आज परमेश्वर ने अपने आनंद से हमें भर दिया है। पहले मैं जो भी परिस्थितियां होती थी जल्दी जल्दी डर जाती थी, घबरा जाती थी, कोई मुझे सांत्वना देने वाला नहीं होता था, मैं रोती रहती थी, उदास पड़ी रहती थी, अपने रूम में बंद करके अपने आप को बैठी रहती थी, पर आज परमेश्वर ने हर एक परिस्थिति में हमें खड़ा किया है, हमारे सारे परिवार को ब्लेस किया है। आज मेरे बच्चे बहुत ऐसे आशीष है प्रभु की ओर से, वो सांसारिक बातों में नहीं गए, परमेश्वर ने उनको संभाल के रखा है, वो प्रार्थना करते, उनको पवित्र आत्मा ने उनको भी प्रार्थना करना सिखाया, उनको भी अपने वचन की गहराइयों में लेके चल रहा है, आज वो भी परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें उस अंधकार से निकाल कर अपनी ज्योति में लेकर आया और अपना गवाह बनाकर हमें खड़ा किया है, सारी तकलीफों को हमारे जीवन से दूर किया है। आज भी तकलीफें आती हैं, ऐसा नहीं है कि जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, तकलीफें आती हैं, पर उस तकलीफ को हम यीशु मसीह के नाम में रौंद कर आगे बढ़ जाते हैं और परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है, प्रभु का आत्मा हमें सामर्थ देता है आगे बढ़ने के लिए, हमें गिरने नहीं देता। वचन कहता है कि धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरेगा तो मैं उसे उठाकर खड़ा करूंगा, वो हमें उठाकर फिर से खड़ा करता है, नया बल देता है हमको आगे बढ़ने के लिए। प्रभु ने हमें हिम्मत दी है, जो हम बेसहारा थे हमें सहारा दिया है। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने मेरी गवाही को सुना, परमेश्वर आपको भी इस गवाही के द्वारा आपका विश्वास बढ़ाए, यही मैं दुआ और प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया।